जजों की जो बेंच है सर्वोच्च अदालत में सुनवाई करेगी, लेकिन जतिन आपके पास आते हुए 25 किरदारों के इर्द गिर्द पूरी जांच अब घूम रही है, उन किरदारों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि संदीप घोष को लेकर ये माना जा रहा है कि अभी भी ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, आज उस पूछताछ का 7वां दिन है। आज बिल्कुल देखिए, संदीप घोष को लेकर आपको बता दें कि क्लीन चिट उसको अभी तक नहीं मिली है। पिछले 6 दिनों में 78 घंटे तक उससे पूछताछ की गई है और एक बार फिर से संदीप घोष इस समय सीबीआई दफ्तर में मौजूद है और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि सीबीआई में जो आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होनी है उस पर पूरे देश की नजरें हैं। सबको ये जानना चाहता है कि सीबीआई की थ्योरी क्या कहती है, क्या सिर्फ ये संजय राय द्वारा किया हुआ एक अपराध है या इसके अलावा कुछ और लोग भी इसके अंदर शामिल है, इसको लेकर हर किसी की नजर है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट 3 मुख्य बातों पर ध्यान देने वाला है। सबसे पहले ये कि उन्होंने जो अपील की थी डॉक्टर से कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप लोग बहुत जरूरी हैं इस पूरे देश के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए, तो आप लोग अपने काम पर वापस लौटिए, ऐसी तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिली। हर जगह से प्रोटेस्ट लगातार जारी है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो शाम को डॉक्टर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं ताकि आगे की रणनीति और आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या कुछ निकल कर आता है उसको लेकर फैसला करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट है वो किस एंगल पर पहुंची है, किन किन किरदारों का क्या क्या रोल है, इसको लेकर क्लियरिटी आज सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाई थी, कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगाई थी कि आप लोग विफल रहे, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, 14-15 तारीख की रात को अस्पताल के अंदर हमला हो जाता है, आप लोग क्या कर रहे थे। तो पश्चिम बंगाल सरकार अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ बोलेगी इसको लेकर सुनवाई होगी। हालांकि पिछले 2 दिनों का जब आप पूरा एक तरीके से देखेंगे तो क्या कुछ कार्रवाई की गई, आप देखेंगे कल रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 4 ऐसे शीर्ष नेता था जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, उन सभी को उनके पद से हटा दिया गया। अब प्रिंसिपल जो है वो मानक भट्टाचार्य बताए जा रहे हैं, उनको उसके पद पर तैनात किया गया। ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई ये सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है। साथ ही पुलिस प्रशासन में क्या कुछ हुआ, 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी, उनको सस्पेंड किया गया जिसमें इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं, 2 जो एक तरीके से एडिशनल जो ऑफिसर्स हैं वो बताए जा रहे हैं, इन दोनों पर भी जो है वो गाज गिरी है। तो प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की और संभवतः इन्हीं कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से रिपोर्ट दी गई है उसमें इन्हीं सब बातों का जिक्र होगा। लेकिन कंसर्न क्या है, कंसर्न यह है कि इस पूरे इंसिडेंट में कितने लोग शामिल हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और सीबीआई की थ्योरी क्या कहती है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और दूसरी सबसे बात, करप्शन को लेकर संदीप घोष पे जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को लेकर क्या इस रिपोर्ट में कुछ बताया गया है, सीबीआई के पास कुछ सबूत है, क्योंकि कल सभी ने देखा कि संदीप घोष की गाड़ी को सीबीआई ने जब्त किया, फोरेंसिक के जरिए उनकी गाड़ी की जांच जो है वो भी की गई, उनके फोन की जांच की गई है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में देगी उसके अंदर इन सभी बिल्कुल जटिल आप तमाम बड़ी बातें बता रहे हैं, तमाम वो पॉइंट्स बता रहे हैं जो अहम है इस डॉक्टर केस को लेकर। देखिए किस तरीके से सीबीआई अब स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने वाली है, लेकिन इधर आपको बता दें कि बंगाल सरकार जो है वो भी चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी लगातार बंगाल सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इस पूरे केस में क्या इस समय ताजा अपडेट है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। रेप मर्डर मामले में एक्शन तेज, दब गए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, मानस बनर्जी बने नए प्रिंसिपल। आज भी देश भर में विरोध प्रदर्शन, कोलकाता रेप मर्डर मामले में अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। देश भर से उठ रही इंसाफ की मांग और विरोध प्रदर्शन के बाद ममता सरकार बैकफुट पर आ गई है और यही वजह है कि आनन फानन में आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल सुहारिता पॉल को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह मानस बनर्जी को कॉलेज का नया प्रिंसिपल बनाया गया है। इनके अलावा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बुलबुल मुखोपाध्याय को हटा दिया गया है। जस्ट मेडिसिन विभाग के चीफ अरुणव दत्ता को भी हटा दिया गया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नेशनल मेडिकल कॉलेज में किया गया ट्रांसफर भी रद्द कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई इस मामले के हर कड़ी को जोड़कर पूरे मामले को सुलझाने में जुट गई है। आरोपी संजय रॉय से हर तरह से पूछताछ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके सहयोगी और पुलिसकर्मी अनूप दत्ता भी सीबीआई के रडार पर हैं।
उससे भी पूछताछ हो रही है। अनूप दत्ता को सीबीआई ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था, जहां वो मीडिया से भागता नजर आया। इन सब के बीच इस मामले को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के अलग अलग जगहों पर जहां डॉक्टर्स काम रोक कर विरोध जता रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी अब विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। आज इस मामले पर पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए प्रदेश बीजेपी स्वास्थ्य भवन का घेराव करने वाली है। तो वहीं राज्य सरकार के कर्मचारी इस घटना के विरोध में आज दोपहर 1:30 बजे स्वास्थ्य भवन और नव महाकरण में विरोध मार्च निकालेंगे। तो वहीं शाम 5 बजे के आसपास न्याय की मांग को लेकर कोलकाता प्रेस क्लब में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इन सब के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को खत लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। डॉक्टरों ने मांग की है कि रेजिडेंट डॉक्टरों की सुरक्षा मानकों को बढ़ाया जाए और इस पर सकारात्मक पहल के लिए जेपी नड्डा का धन्यवाद भी किया गया है। इस मामले पर विपक्ष की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी का इस मामले पर गोलमोल जवाब देना अब उनको भारी पड़ रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले पर जहां राहुल को निशाने पर लिया, तो वहीं ममता दीदी से इस्तीफे की मांग कर दी। राहुल गांधी जब बंगाल की डॉक्टर बेटी के साथ गैंगरेप होता हो तो पत्रकारों को डांट देना, यहां नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए, एक महिला हो करके उन्हें इस्तीफा करनी चाहिए। देश भर में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद अब ममता दीदी के सरकारी कर्मचारी भी उनके विरोध में उतर आए हैं। फिलहाल इस मामले में ममता बैकफुट पर आ गई है, जिसके बाद अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। लेकिन यह विरोध इतनी आसानी से थमेगा ऐसा लग नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस डायरी में पीड़िता ने तमाम बातें लिखी थी, बताया जा रहा है कि उसके कुछ पन्ने भी गायब हैं। मौत से पहले के डायरी के पन्ने गायब हैं, उसमें क्या क्या था ये आपको हम बता सकते हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है कि आखिर जो पन्ने थे वो पन्ने कैसे गायब हुए हैं, इसकी जांच की जा रही है। ट्रेनी डॉक्टर हर दिन डायरी लिखा करती थी और उस डायरी को की जांच के लिए भी परिवार के पास पहुंची थी सीबीआई की टीम। दावा है कि मौत के दिन भी उसने एक डायरी लिखी थी और उस डायरी में कई महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। 9 अगस्त को भी पीड़िता ने डायरी लिखी थी, उसमें क्या बातें थी, क्योंकि पन्ने गायब हैं इसलिए उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। इसी रात सेमिनार हॉल में पीड़िता के साथ रेप की वारदात को भी अंजाम दिया गया था। जब उसने डायरी लिखी थी उसके तुरंत बाद रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। लड़की के पिता का दावा है कि जिस डायरी में उसने तमाम चीजें लिखी थी उसके पन्ने गायब हैं, उसके पन्ने नहीं मिल रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी। लेकिन बेटी ने ये पन्ना पिता को भेज दिया था। कैसे भेजा था? 9 अगस्त को दिन में भी उसने कुछ पेज लिखे थे और पिता का यह कहना है कि कुछ पेज गायब भी हैं डायरी से। इनमें से एक पेज की फोटो खींचकर उसने मुझे यानी पिता को भेजी थी। डायरी लिखने के साथ पन्ने जरूर गायब है, लेकिन पन्ने की एक पन्ने की फोटो उसने अपने पिता को भेजी थी। पुलिस को डायरी से वही पेज गायब मिला है जिसको उसने अपने पिता को फोटो खींचकर भेजा था, यह दावा किया जा रहा है पीड़िता के परिवार की ओर से। अस्पताल के मौजूदा हालात का बेटी ने जिक्र किया था, जो स्थितियां अस्पताल में इस वक्त बनी हुई हैं उसके बारे में लिखा था। पिता ने वो फोटो सीबीआई को भेज दी है, यानी परिवार की ओर से पूरी मदद की जा रही है कि पूरी सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिले। पिता ने पुलिस पर पन्ने फाड़ने के आरोप लगाए हैं और इस मामले में अब तक पुलिस की भूमिका सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है। अगर परिवार वाले पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें इस केस में अगर पुलिस जांच करती तो किस दिशा में मामला आगे बढ़ता। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं और अब पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने ही कई आरोप लगाए हैं, जिनके आधार पर भी इस पूरे मामले में आगे जांच की जा रही है जिससे पूरी सच्चाई सामने आ सके। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में सीबीआई के रडार पर आए
पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां सीबीआई लगातार घोष से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने उन पर संगीन आरोप लगाए हैं। अख्तर अली के लगाए आरोपों के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष न सिर्फ मेडिकल कॉलेज में हुए भ्रष्टाचार में शामिल था, बल्कि उसने मेडिकल कॉलेज में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि संदीप घोष किसी शैतान से कम नहीं है। जी हाँ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर का ये आरोप है कि संदीप घोष अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार में शामिल तो था ही, साथ ही उसने अस्पताल में लाए गए लावारिस डेड बॉडी को बेचने के संगीन अपराध में भी शामिल था। गंदे इंसान थे, करप्टेड इंसान थे, स्टूडेंट लोगों के साथ बदसलूकी करना, जानबूझ कर उनको फेल करवाना, और इन लोगों को गेस्ट हाउस में बैठा पैसा कलेक्ट करवाते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे गंभीर आरोप उनके अगेंस्ट में थे, जिनका पर्दा मैंने फाश किया था। और वो डेड बॉडी का जो लावारिस लाश होता था, उसके भी तस्करी करते थे कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज वगैरह को भेज देते थे। अख्तर अली का दावा है कि उन्होंने संदीप घोष के आपराधिक कृत्य की जानकारी पहले भी संबंधित विभाग को दी थी। यहां तक कि खतरा मोल लेते हुए उन्होंने संदीप घोष के कुकर्मों के खिलाफ बंगाल सरकार को कई बार सबूत भी दिए थे, लेकिन संदीप घोष के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेन हुआ, हाईकोर्ट में कंप्लेन हुआ, पुलिस के...